अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का महामुकाबला दोस्तों दोपहर 2 PM को होने वाला है। लाजवाब मैच है और दोस्तों इसका मेगा कर दिया गया है 42 करोड़ रुपए। दोस्तों फर्स्ट विजेता को मिलने वाले है 1.5 करोड़ रुपए और मात्र एंट्री करना है 24 रुपए से, वो भी डिस्काउंट के साथ। हम आपको बताते हैं ज्योतिष विद्या के द्वारा आपके कौन बैट्समैन आज चलने वाले हैं, कितने विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने बैट्समैन लेकर चलना है, कितने ऑलराउंडर लेकर चलना है और कितने बॉलर लेकर चलना है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और एक बार श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख देना है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली। तो आओ चलते हैं, देरी न करते हुए हम आपको ये बताते हैं क्योंकि हमारी ही टीम के दोस्तों खिलाड़ी कप्तान और कप्तान बन रहे हैं। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाइए, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। तो आप लोग फटाफट वहां पर हम प्रूफ के साथ दोस्तों देते हैं कि हम कितना रुपए जीता, कौन कौन टीम किस किस को कप्तान बनाया, सब कुछ वहां देखते हैं। पर दोस्तों हम एक बात आपको जरूर कहेंगे, आप लोग ज्यादातर स्मॉल लीग पर पैसा लगाया करिए, स्मॉल लीग से आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं और दोस्तों ग्रैंड लीग में बनाने के चांस कम होते हैं, स्मॉल लीग से आप पैसा ज्यादा बना सकते हैं। आओ हम चलते हैं, बताते हैं आपको कितने विकेट कीपर के साथ क्या शुभ योग बन रहा है, आज की तारीख क्या कर रहे हैं दोस्तों, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों आज 4 विकेटकीपर के साथ जाते हैं तो केतु आपका पीछा कर रहा है। तो दोस्तों आपके लिए ये अशुभ संकेत है, अगर 4 विकेटकीपर के साथ बिल्कुल नहीं जाना, अगर आप 3 विकेटकीपर के साथ जाते हैं तो राहु की दिक्कत है। तो दोस्तों 3 विकेटकीपर का योग भी आपके लिए आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं बन रहा। तो दोस्तों अगर आप 2 विकेटकीपर के साथ जाते हैं तो चंद्रमा आपका साक्षीकरण है और आपका बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, तो आप 2 विकेटकीपर के साथ जा सकते हैं। और बैट्समैन की बात करते हैं तो दोस्तों 5 बैट्समैन आपके लिए बेहद ही शुभ है, 5 बैट्समैन के दोस्तों आपके लिए 5 बैट्समैन लेंगे तो तारे आपके चमक रहे हैं दोस्तों, और दोस्तों सूर्य भगवान भी आपका साक्षीकरण है दोस्तों, और जिसका साक्षीकरण सूर्य देव हो जाए उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है, और मंगल ग्रह भी आपके पीछे नहीं आपके सामने है, मंगल ग्रह का प्रभाव भी आपको पड़ेगा और मंगल ग्रह की स्वामी दोस्तों जय बजरंग बली होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दोस्तों एक बार श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली। तो आपको क्या आंकड़ा रखना है, अगर दोस्तों आप 2 विकेटकीपर लेकर के चलते हैं, 2 विकेटकीपर लेकर चलते हैं तो आप 3 बैट्समैन ले लीजिए, अर्थात विकेटकीपर पर बैट्समैन का योग दोस्तों 5 ही होना चाहिए। ये दोस्तों रेशियो है 2+3 अर्थात बैट्समैन और विकेट कीपर का जो रेशियो है वो 5 होना चाहिए। अगर आप एक विकेट कीपर लेते हैं तो आपको 4 बैट्समैन लेना, यही आंकड़ा आपके लिए दोस्तों शुभ बन रहा है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। अब हम चलते हैं दोस्तों कहां चलते हैं, ऑलराउंडर और बॉलरों की बात करते हैं, आपको कितने ऑलराउंडर के साथ जाना है। अगर दोस्तों आप यहां पर आप 4 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं तो आपका बहुत ही अशुभ योग बन रहा है, आप कितने ऑलराउंडर के साथ जा सकते, आपके लिए 2 और 3 ऑलराउंडर का आंकड़ा दोस्तों बेहद ही शुभ है, जो आपको लाखों रुपए जिता सकता है दोस्तों ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में। तो 2-3 का आंकड़ा अगर बनाकर चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर में तो आपका बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, आप दोस्तों बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। अब हम बताते हैं किस प्रकार से आपको, और दोस्तों यहां पर बॉलर और ऑलराउंडर की बात करते हैं तो 5+1=6 का आंकड़ा बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो आपको 6 के आंकड़े के लेकर चलना है, ऑलराउंडर प्लस बॉलर के लिए 6 का आंकड़ा बहुत ही अच्छा योग है दोस्तों। और चलते हैं हम बताते हैं दोस्तों लाजवाब मैच है इसलिए हम आपको बताएंगे जरूर। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा किस प्रकार से आपको काम करना है, या दोस्तों आप ऑलराउंडर 2 लेते हैं, यदि आप ऑलराउंडर 2 लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको बॉलर 4 लेने चाहिए, तो आपका आंकड़ा दोस्तों 6 का बन रहा है और आपका शुभ योग बन रहा है। अगर आप ऑलराउंडर 3 लेते तो बॉलर भी 3 लीजिए, फिर भी दोस्तों ये आंकड़ा दोस्तों 6 का बन रहा है, ये शुभ होना बल्कि दोस्तों 1 ऑलराउंडर और 5 बॉलर ये दोस्तों असब दोस्तों बिल्कुल बेहद ही दोस्तों अशुभ है, इसको नहीं करना। और दोस्तों 5 ऑलराउंडर और 1 बॉलर ये भी बेहद अशुभ है, इसको भी करेंगे तो दोस्तों आपकी बत्ती बुझने वाली है।
तो दोस्तों अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। आज की आंकड़े क्या है, कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं, कितने नहीं मिलने वाले, सब कुछ आपको हम बताकर बताएंगे। तो दोस्तों और चलते हैं, देरी न करते हुए और चलते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का महामुकाबला है, दोनों ही टीम लगभग इक्वल है दोस्तों। अफगानिस्तान की टीम ने बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ा है, इंग्लैंड जैसी दोस्तों टीम को मात दिया है। तो अफगानिस्तान को भी ये नहीं कहा जा सकता, पाकिस्तान जैसी टीम को भी अफगानिस्तान ने मात दिया है। तो ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है कि आज श्रीलंका का पल्ला भारी है। बल्कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये बहुत ही लाजवाब मुकाबला है दोस्तों। पिछले मैच में इंडिया ने एक बार फिर से इंग्लैंड को परास्त कर दिया, बहुत ही अच्छा छोटा स्कोर में भी इंडिया जीत गई। ऐसा लग रहा था कि नहीं जीत पाएगी, परंतु जीत गई। यहाँ पर आप 24 रुपए की एंट्री कर सकते हैं और 42 करोड़ की ग्रैंड लीग में आप शामिल हो जाएंगे। फर्स्ट विजेता को देखिए कितने रुपए मिलने वाले, फर्स्ट विजेता को 1.5 करोड़, सेकेंड विजेता को 60 लाख, थर्ड विजेता को 22 लाख, चौथे विजेता को 5 लाख, पांचवें विजेता को 4 लाख रुपए मिलने वाले। अब हम चलते हैं मैच के आंकड़े देखते हैं दोस्तों, मैच के आंकड़े, मैच होने का हवाला, सब कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पिच बैटिंग बताई जा रही है दोस्तों, आदर्श बॉलिंग स्टाइल, तेज ऐसा पेसर्स को मदद मिली, औसत स्कोर 293। तो दोस्तों बैटिंग पिच है बहुत अच्छी, बैटिंग पिच है जिस स्कोर का औसत स्कोर ही बहुत ज्यादा है। मैच दोस्तों महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे पर होने वाला है, लाजवाब दोस्तों ग्राउंड है। अब हम चलते गाइड करते हैं मैच के आंकड़े देखते हैं। अगर मैच के आंकड़े पर चलते हैं तो अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीम ने दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में 5-5 मुकाबले खेल चुकी है और दोनों ही टीम ने दोस्तों अपने 5 मुकाबले में 2-2 मुकाबले जीते हैं और 3-3 लॉस किया है। अगर इस लिहाज से देखते हैं दोस्तों तो यहां पर दोनों ही टीम का 50-50% दोस्तों विन का चांस बन रहा है। अगर इस आंकड़े को देखते हैं तो दोनों ही टीम का विन आंकड़ा दोस्तों 50-50% दोस्तों बन रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों ग्राउंड के आंकड़े देखते हैं। यहाँ पर ग्राउंड में पिच बैटिंग है, पहले भी बता चुके हैं, और बेहतरीन पेसर्स को मदद मिलने वाली है। मौसम में बादल घिरे रहने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। औसत रन यहाँ का 293 रन, अर्थात यहाँ अच्छे रन बनते हैं ग्राउंड पर, और कुल विकेट यहाँ पर 72 है। गिरे जहां पेसर्स को 53 और दोस्तों स्पिनर को मात्र 19 विकेट मिले। अगर इस लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों पेसर्स का पल्ला भारी दिखाई देता है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों ही टीम के बीच 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोस्तों अफगानिस्तान ने 3 जीते हैं और श्रीलंका ने 5 जीते हैं, और एक मैच ऐसा रहा जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। अगर इस लिहाज से देखते हैं तो दोस्तों यहां पर दोस्तों श्रीलंका का पल्ला थोड़ा भारी दिखाई देता है। और चलते हम बनाते हैं टीम दोस्तों, और चलते हम बनाते हैं टीम। देखिए यहाँ पर कुशल मेंडिस है और दोस्तों इस समर विक्रमा है, आर गुरबाज है, आई लिखिल, चार दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर चार बैट्समैन हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक बार से दो टकरार की टीम देंगे, एक होगी हमारी सेफ टीम, एक होगी दोस्तों हमारी रिस्की टीम। तो कुशल मेंडिस और आर गुरबाज को लेकर के हम बनाते हैं सेफ टीम। यहाँ पे निशंका को लेंगे हम दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हसमतुल्ला शहीदी को लेंगे दो, और इसके बाद हम लेंगे दोस्तों यहाँ पर सी एस लंका को लेकर के हम आगे बढ़ते। ऑलराउंडर में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं डीडी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज को लेते हैं, और दोस्तों ले लेते हैं यहाँ पर ए ओमर जई को ले लेते हैं, दो ले लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन पर, लेते हैं राशिद खान को, मुजीबुर राशिद खान और कसून रजता को लेते हैं, कसून रजता के बाद नवीन उल हक को लेते हैं और डी मधुशंका को लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम टीम बना लेते हैं और टीम को कर देते हैं सेव। अब बात आती है कप्तान उपकप्तान बनाने में, तो दोस्तों यहां पर हम आर गुरबाज को कप्तान बनाते हैं और वहीं पर दोस्तों ए उमर जई को वाइस कैप्टन बनाकर टीम को कर देते हैं सेव। अब हमारी एक दूसरी टीम होगी जो बेहद ही रिस्की होगी दोस्तों, बेहद ही रिस्की होगी। तो हम क्या करेंगे, इस समर विक्रमा आर गुरबाज को लेकर चलेंगे और यहाँ पर आई जादरान को लेंगे और दोस्तों हसमतुल्ला शहीदी को नहीं, रहमत शाह को लेंगे, और इसके बाद दोस्तों हम कुशल परेरा को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुशल परेरा को लेकर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग एम नबी को ले लेंगे, मैथ्यूज को ले लेंगे, ए उमर जई को भी ले लेते हैं, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम डीडी सिल्वा को ले लेते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम मुजीबुर रहमान को ले लेते हैं, और दोस्तों हम किसको लेते हैं, नवीन राशिद खान को ले लेते हैं, और ले लेते हैं कसून रजता को लेकर के एक टीम बना लेते हैं। अब कप्तान हम किसको बनाएंगे दोस्तों, इस समर विक्रमा को कप्तान बना लेते हैं। और दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, वाइस कैप्टन हम किसको बनाएंगे, राशिद खान को बना करके टीम को सेव कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने दो प्रकार की टीम आपको बनाकर दिखाई, एक बेहद सेफ और एक बेहद रिस्की। देखिए इसमें 5.6 का रेशियो हमने लिया है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, 5 खिलाड़ी अफगानिस्तान के, 6 खिलाड़ी श्रीलंका के, जिसमें वाइस कैप्टन ए उमर जई हैं और कप्तान है आर गुरबाज। वही दूसरी टीम जो बेहद रिस्की टीम है, उसमें देखिए हमने क्या किया है, अफगानिस्तान के 7 खिलाड़ियों को लिया है और जिसमें कप्तान इस समर विक्रमा को बनाया है, वाइस कैप्टन राशिद खान को बनाया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरी तरह से आपको जानकारी दी। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय दोस्तों।